मैंने परीक्षा ठीक से उत्तीर्ण की है, मेरा मेडिकल को एडमिशन भी हो सकता था, लेकिन चूंकि मराठा समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए मेरा मेडिकल को नंबर नहीं लगा। इस आशय का पत्र लिखने के बाद बुधवार को बीड जिले के केतुरा में एक 17 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली है। विवेक कल्याण रहाड़े आत्महत्या करने वाले युवा का नाम है। विवेक बीड जिले के केतुरा का निवासी है। पता चला है कि विवेक रहाड़े ने अपने पैतृक गांव के केतुरा में एक खेत में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। विवेक ने हाल ही में 12वीं और नीट की एग्जाम दी थी। आत्महत्या के बाद विवेक की जेब से एक चिट्ठी मिली है, जिसमें लिखा था कि मुझे मेडिकल में एडमिशन लेकर डॉक्टर बनना था, लेकिन मेरा नंबर अब नहीं लग पाएगा क्योंकि मराठा आरक्षण को स्थगित कर दिया गया है, जिस कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। लेकिन विवेक ने जाते जाते मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग भी लिखी हुई चिट्ठी द्वारा की है। इस घटना से पूरे बीड जिले में खलबली मची, साथ ही सभी ओर शोक का वातावरण छा गया है। इस घटना पर विधायक विनायक मेटे द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई है, देखते हैं। बीड जिल्ह्यातील केतुरा या गावाच्या तरुणांनी काल मराठा आरक्षणाच्यामुळे आत्महत्या केली। ही आत्महत्या नसून ही अगदी हत्या आहे, तो बळी आहे। आणि हा बळी घेतल्याचं काम हे महाराष्ट्र शासनाच्या आघाडी सरकारनं, उद्धवजी ठाकरे सरकारने आणि अशोक चव्हाणांच्या उपसमितीनं घेतलेला आहे, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे। मागे अनेक दिवसापासून आम्ही सातत्यानं सांगत होतो की मराठा आरक्षणावर घटनापीठाकडे पाठवत असताना स्थगिती येणार नाही, या संदर्भातली काळजी घ्या, त्याचं नियोजन करा, त्याचं प्लॅनिंग करा। परंतु अशोक चव्हाणांच्या समितीनं आणि ठाकरे सरकारनं याच्याकडे साप दुर्लक्ष केलेलं आहे, त्या याचाच परिणाम म्हणून कालची ही आत्महत्या आहे। ही आत्महत्या स्वस्थ बसू देणार नाही या सरकारला, हे मी या ठिकाणी स्पष्ट सांगतो। आणि दुसरं या ठिकाणी नम्रपणाने सगळ्या युवकांना, राज्यातल्या तरुणांना सांगू इच्छितो की सतत मराठा समाज हा लढवया समाज आहे, शूर वीर असा समाज आहे। संघर्ष करूनच सगळ्या गोष्टी मिळवल्यात, आरक्षण सुद्धा आपण संघर्ष करून मिळवूया, पण असा आत्महत्याचा मार्ग हा तुम्ही कृपया स्वीकारून का, ही माझी आपल्याला नम्रपणाने हात जोडून विनंती आहे। विधायक मेटे द्वारा मराठा समाज से अपील की गई है कि आत्महत्या का रास्ता न अपनाए, संघर्ष कर जीत हासिल करना मराठा समाज की खासियत रही है। और साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। अब राज्य सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और आत्महत्या के सत्र पर रोक लगाती है या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NBCN न्यूज।